हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फायर लिफ्टर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिटनेस के पांच एस्पेक्ट्स को बताने का वादा किया था, जिसमें से हम लोगों ने दो एस्पेक्ट पिछले वीडियो में कवर किए थे और बाकी के बचे हुए तीन एस्पेक्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और मस्कुलर एंड्योरेंस को, और इस वीडियो में बाकी बचे हुए फिटनेस के इन एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे, जिसमें आपका मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ है, जिसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी है और आइडियल बॉडी कंपोजिशन है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। फिटनेस का तीसरा एस्पेक्ट है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ की कमी होने से शरीर समय से पहले कमजोर हो जाता है। इसकी कमी से तमाम प्रतिभा, तमाम कौशल होने के बावजूद भी आदमी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह से उसे करना चाहिए। आजकल सभी खिलाड़ियों में टैलेंट के साथ साथ बॉडी में स्पीड चाहिए, पावर चाहिए। अगर मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ बॉडी के अंदर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो शायद वो इतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उतनी स्पीड नहीं दे पाएगा। इसलिए इस एस्पेक्ट पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कमी से आपके शरीर में आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह के रोग होने की संभावनाएं हैं। जैसे ही आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते समय अपने शरीर पे जब अगेंस्ट अपने शरीर के अगेंस्ट जब भी आप पावर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आपको हैवी वेट से हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना होगा। अब हैवी वेट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए हैवी वेट 20 किलो है, किसी के लिए 15 किलो है, कोई किसी को 10 ही किलो हैवी वेट लगता है। तो हैवी वेट मतलब जिस वेट को लेके कम से कम 6 से लेकर 8 रेपिटेशंस तक आप लगा पाएं, इतने वेट को लेकर आपको काम करना होगा, रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान बहुत रखना है कि आप किसी ट्रेंड ट्रेनर के प्रशिक्षण में ये काम करिए, क्योंकि अगर जरा सा भी आपकी मसल्स या आपकी पोजीशन सही नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं इंजुरी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस काम को करके आप धीरे धीरे अपने मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, फिटनेस का हमारा अगला एस्पेक्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस एस्पेक्ट पर अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कितनी भी अच्छी आपकी स्ट्रेंथ है, आप कितना भी अच्छा आपका मस्कुलर एंड्योरेंस है, आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है, बट फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से आप एक्सरसाइज के दौरान या डेली रूटीन के कामों में आप चोट की चपेट में आ सकते हैं। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना पड़ेगा। इस फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के कई तरीके हैं, जिसमें आप स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग में आप बॉडी को एक पर्टिकुलर स्ट्रेच करते हुए 10 सेकंड तक होल्ड रखिए। लाइक दिस की अगर आप ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं शोल्डर के लिए, तो आप हल्का सा अपने आप को 10 सेकंड तक इसको स्ट्रेच रखिए। और ये एक्सरसाइजेस या रोटेशन है या व्हाटएवर, देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आर देयर जिसमें कि आप अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को स्ट्रेच करते हैं, वो करिए ताकि आपको एक्सरसाइज के दौरान इंजरी होने के चांसेस कम से कम हो जाएं और आपकी बॉडी पहले से बेहतर परफॉर्म करने लगे। तो फिटनेस के इस एस्पेक्ट पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप योगा का सहारा ले सकते हैं। अगर आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में किसी एक दिन मॉर्निंग के समय योगा को परफॉर्म करें तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी बेहतर चीज़ें मिल पाएंगी, जिसमें आपको मस्कुलर एंड्योरेंस भी मिल सकता है, मास एंड्योरेंस भी मिल सकता है। योगा एक अपने आप में कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आपको कंप्लीट तरीके से फिट रख सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं फिटनेस के नए एस्पेक्ट की तरफ। पांचवा एस्पेक्ट है हमारा आइडियल बॉडी कंपोजिशन। आइडियल बॉडी कंपोजिशन का मतलब ये है कि बॉडी में फैट और लीन मास का रेशियो क्या है। फैट और लीन मास के रेशियो को जानने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि फैट क्या करता है और लीन मास क्या करता है। फैट बॉडी को बेडॉल कर देता है, जबकि लीन मास आपकी बॉडी को टोन रखता है, उसको शेप में रखता है। बॉडी में लीन मास अगर आपका अधिक है तो आपका बीएमआर बढ़ जाएगा। बीएमआर का मतलब जिस समय आप आराम कर रहे होते हैं उस दौरान आपकी कैलोरी कितनी खर्च हो रही है, इस चीज की दर को बढ़ा देता है। और अगर लीन मास में कमी है तो आप उस दर से अपने बॉडी के अंदर से कैलोरीज को खर्च नहीं कर पाएंगे और आपका फैट धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। इसके विपरीत
फैट जो है वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस को बढ़ावा देता है, जबकि लीन मास बॉडी के स्केलेटो मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में सहायक है। इसलिए अगर हम आइडियल बॉडी कंपोजिशन पाना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉडी के अंदर लीन मास को मैक्सिमाइज करना है और फैट को रिड्यूस करना होगा। दोस्तों, लीन मास को बढ़ाने के लिए आपको फिटनेस के चार एस्पेक्ट्स पे तो काम करना ही होगा, उसके साथ साथ आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी सहारा लेना पड़ेगा। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का मतलब आपके शरीर के अंदर कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स, कितने फैट की मात्रा जाए और संतुलित रूप से बॉडी में आपको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन मिल पाए ताकि आप अपनी फिटनेस के एस्पेक्ट को पूरा कर सकें। अगर आप जितना आपका बॉडी वेट है उसका लगभग दो गुना उतने ग्राम प्रोटीन पर डे लेते हैं तो धीरे धीरे करके आपके लीन मास में वृद्धि होती जाएगी, और साथ ही साथ आप व्यायाम भी कर रहे हैं तो, क्योंकि व्यायाम के दौरान आप अपने मसल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उन्हीं मसल्स में जब प्रोटीन और फैटी एसिड्स मिल करके आपकी बॉडी के कंपोजिशन को प्रॉपर बढ़ाता है और आपके मसल और लार्जर मसल बनती हैं और आपकी बॉडी में लीन मास की अधिकता होती जाती है और फैट रिड्यूस होता जाता है। अपनी डाइट में आपको मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने पड़ेंगे और सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना धीरे धीरे आपके इंसुलिन का लेवल बढ़ता जाएगा, जबकि सिंपल कार्ब्स आपकी बॉडी में एकदम से इंसुलिन स्पाइक कर देते हैं जिससे कि आपके अंदर फैट बनने की संभावनाएं ज़्यादा तरीके से बढ़ जाती हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को मैक्सिमम अपनी डाइट में शामिल कीजिए, अपनी डाइट में प्रोटीन का हिस्सा बढ़ाइए और अपने लीन मास को बढ़ाइए। और सबसे ज़रूरी है कि ये चार एस्पेक्ट जो पहले बताए गए हैं, इन चारों एस्पेक्ट्स पे आपको फिटनेस पाने के लिए काम करना होगा। तो फिटनेस पाने का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है और वो फार्मूला ये है कि हफ्ते में तीन दिन एरोबिक व्यायाम, कार्डियो व्यायाम अपनी वर्कआउट शेड्यूल में शामिल कीजिए। हफ्ते में कम से कम चार दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को शामिल कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी मैक्सिमम कंपाउंड मूवमेंट्स हों, पावर मूवमेंट्स हों जिनको आप शामिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी बॉडी में प्रॉपर स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद में स्ट्रेचिंग को बढ़ावा दीजिए और उसके साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की सही मात्रा आपकी बॉडी को धीरे धीरे शेप में लाती जाएगी और आप फिट होते जाएंगे। यहाँ एक एस्पेक्ट और बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सब के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट भी लेना होगा। अगर रेस्ट की कमी है तो बॉडी जो आपकी हील हो रही होती है, जो बिल्ड हो रही होती है, जो सही शेप में आ रही होती है, ये रेस्ट के दौरान ही होता है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी इसके साथ साथ लेना होगा। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी शेप में आती जाएगी और आप और बहुत ही सुंदर और बहुत ही फिट शरीर के मालिक हों। फिटनेस को पूरी तरीके से समझने के लिए बैक टू बैक हमारे दोनों वीडियो देखिए। इस वीडियो में हमने तीन एस्पेक्ट्स फिटनेस के कवर किए हैं, जबकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो एस्पेक्ट कवर किए थे। इन पांचों एस्पेक्ट को जब आप पूरी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक कंप्लीट फिट बॉडी मिल सकेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फायर लिफ्टर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को प्रेस कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।